अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ऑक्सटेल का पुलाव बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। ईद कुर्बान पर गाय की कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन गाय के दुम का गोश्त बहुत कम लोग शौक से खाते हैं, जबकि गाय की दुम के गोश्त में भी बहुत लज्जत पाई जाती है। अब की बार ईद पर बनाकर देखिए, बहुत लजीज पुलाव तैयार होगा इंशाल्लाह। तो मेरे पास ये 2 किलो ऑक्सटेल का गोश्त है, ये 2 टेल्स थी जिसमें से मैंने ये बड़ी बोटियों को अलहदा कर लिया है, और ये छोटी छोटी जो दुम के आखिरी हिस्से की बोटियां होती हैं उन्हें मैंने सेपरेट कर लिया है। ये जो बोटियां हैं ये सूप बनाने के काम आएंगी, इनको मैं पुलाव में नहीं डाल रही। ये जो बड़ी वाली बोटियां हैं इसको हम पुलाव में डालेंगे। छोटी बोटियां निकालकर, इस गोश्त का वजन तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे, और पुलाव बनाने के लिए जिन मजीद इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको यखनी बनाने के लिए जिन अशिया की जरूरत है वो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। उसमें ये 1 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 2 टेबल स्पून ही साबुत जीरा है, 1 टीस्पून काला जीरा है, 1 टीस्पून ही लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं, और ये चंद दाने मैंने कबाब चीनी के लिए हैं, और ये 5 अदद बड़ी इलायची है और 7 अदद छोटी इलायचियां हैं, इनको भी मैंने स्लिट कर लिया है, और ये जावित्री के 3 फूल हैं और 1 आधा टुकड़ा नटमैग का यानी जायफल का है, और ये तकरीबन 3 फूल मेरे पास बादियान के हैं, और ये 2 बड़े टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। और इसके अलावा 1 अदद प्याज, 1 गट्ठी लहसुन की छील ली है, और 2.5-3 इंच का टुकड़ा अदरक का था जिसको मैंने 3 टुकड़ों में काट लिया है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी यखनी कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चूल्हे पे फ्राइंग पैन रख के इस गोश्त को हल्के से तेल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए नाजिन, पैन गर्म हो गया है तो हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कवर कर देते हैं। ये देखिए गोश्त ब्राउन हो गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए नाजरीन, ये हमारा गोश्त तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे गोश्त को पहले फ्राई करेंगे और फिर इसकी यखनी बनाएंगे। मैं भी आपको बताती हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। ये तकरीबन 8 कप पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। ये तमाम गोश्त इसके अंदर इसके जूसी स्मेल डाल देंगे। ये देखिए मैंने मीट इसमें डाल दिया है और मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इतना पानी डालेंगे कि ये बोटियां इसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाए। मैंने इसमें 3 लीटर पानी डाला है, इसका मतलब है 12 कप। अभी इसमें लहसुन अदरक और प्याज भी डाल देंगे। प्याज के भी 2 टुकड़े कर लेते हैं, और ये नमक समेत तमाम मसाला जात भी इसमें चले जाएंगे। और अब हम इस पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। जैसे ही ये पानी उबलना शुरू होगा तो मैं इसको बिल्कुल मिनिमम आंच पर कर दूंगी चूल्हे को, और ये तकरीबन 2.5-3 घंटे में पककर तैयार होगी। क्योंकि ये जो ऑक्सटेल का गोश्त है इसमें बहुत ज्यादा कोलेजन पाई जाती है, और इसको बहुत स्लो हीट पर देर तक पकाएं तब जाके ये गोश्त बनता है। इसको हम बिल्कुल मिनिमम आंच पर 2-3 घंटे पकाएंगे, और आधे घंटे के बाद इसे चेक भी करते रहेंगे। ये देखिए नाजिन, इसने उबलना शुरू कर दिया है। अब मैं इसकी आंच को बिल्कुल मिनिमम पे करके इसको 2-2.5 घंटे पकाऊंगी, और जब यखनी तैयार हो जाएगी तो फिर हम अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। ये देखिए नाजरीन, इसे 2.25 घंटे हो गए हैं पकते हुए। यखनी हमारी पककर तैयार है और इसका गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। मैंने इसके नीचे चूल्हा बंद कर दिया है, अब हम इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि पुलाव बनाने के लिए हमें मजीद किस प्रिपेरेशन की जरूरत होगी। यखनी तो बनकर तैयार हो चुकी है, अब हमें जिन मजीद इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत है पुलाव बनाने के लिए, चावलों के अलावा ये मैंने 3 अदद प्याज मीडियम साइज के छील कर बारीक काट लिए हैं, और 1 गट्ठी लहसुन की, और 1-3 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 2 अदद टमाटरों की मैंने कट्टी ये पेस्ट बना ली है। नमक हम जायके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी यखनी में भी नमक डाल चुके हैं। ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च है पिसी हुई, और ये 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ सफेद जीरा है, और ये 1/2 टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा है, और ये 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून ही ये लौंग है, और ये 3 अदद बड़ी इलायची है। गर्म मसाले में अब सिर्फ हम ये मसाले डालेंगे, बाकी सब मसाले हम यखनी में डाल चुके हैं। तो चलिए प्याज सुरख करते हैं। ये देखिए नाजिन, मैंने पैन में घी डालकर चूल्हा ऑन कर दिया है, अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। ये प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डालकर इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं,
अब इसमें हम ये गरम मसाला डाल देंगे। ये प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट और टमाटर डाल देंगे। लहसुन अदरक और टमाटर की पेस्ट डालने के बाद इसको हम 10 मिनट भूनेंगे। लहसुन और अदरक की भुनाई हो गई है, एक दो मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये 2 कप पानी डाल दिया इसमें मैंने, और साथ में ये काली मिर्ची और पिसा हुआ जीरा भी डाल देंगे, और नमक हम यखनी डालने के बाद टेस्ट करेंगे, उसके बाद जायके का अंदाजा करके तब मजीद नमक शामिल करेंगे। तो अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी, इसको हल्की आंच पर 5-10 मिनट पकाएंगे ताकि ये प्याज गल जाए और लहसुन और अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। ये देखिए नाज़रीन, इसका पानी खुश्क हो रहा है, अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, इसकी भुनाई हो गई है, इसके पानी खुश्क हो गया है तकरीबन, और इसका घी निकल आया है। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, मैंने यखनी को फ्रिज में रखा था, उसके ऊपर जो फैट जमी है वो मैंने उतार लिया है। अगर उसमें थोड़ी सी यखनी भी आ जाए तो खैर है, लेकिन उसके ऊपर जितनी फैट थी वो मैंने चम्मच की मदद से इसके ऊपर से उतार लिया है। इसके अंदर हम सिर्फ यखनी डालेंगे। गोश्त की फैट इसलिए नहीं डालेंगे कि इसमें हमने खुद से घी डाला है। अगर हमने इसमें गोश्त की फैट डाली तो चावलों में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट पैदा हो जाएगी। मैंने चावलों को ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ है, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक चावलों को भिगोया जा सकता है, कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, किसी भी बासमती को आप इतनी देर भिगो सकती हैं। और इतनी देर भिगे हुए चावलों के लिए 1.5 गुना पानी की जरूरत होती है। तो ये मैं इसमें 6 कप पानी डालूंगी, यखनी। मैंने ये 4 कप चावल लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब, तो मैं इसमें 1.5 गुना पानी डाल रही हूँ। ये देखिए नाज़रीन, यखनी ने उबलना शुरू कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने से इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, ये दोबारा उबलना शुरू करेगा, तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी। इसका नमक भी टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें कितने नमक की जरूरत है। आप अपने अंदाजे के मुताबिक नमक डालिएगा। ये पानी फिर से उबलने लगा है, अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे। अब चावल डाल देने से भी इसका टेम्परेचर कूल डाउन हुआ है, तो जैसे ही ये दोबारा खटाखट उबलना शुरू करेगा तो हम इसे दम पे रख देंगे। चावल डालने के बाद चम्मच को एहतियात से चलाएं, अब्बल तो ज्यादा चम्मच चलाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लें इसे। ये देखिए नाज़रीन, इसने खटाखट पकना शुरू कर दिया है। अब इसको एक दफा और हिलाकर अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। 15 से 20 मिनट का दम देंगे हम इसे, और आंच को बिल्कुल मिनिमम कर देंगे, और 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा पुलाव कैसा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए नाज़रीन, 15 मिनट का दम लग चुका है, हमारा पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह पक कर तैयार है। अभी मैं इसको 10 मिनट पड़ा रहने दूंगी, जरा सा स्लाइटली ढक्कन हटा के, तो उसके बाद फिर मैं इसे डिश आउट करूंगी, तो आपको दिखाऊंगी। बहुत शानदार पुलाव बनकर तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। गरम गरम चावलों को कभी भी नहीं हिलाना चाहिए, फिर वो टूट जाते हैं। तो जरा जरा सा ये पुलाव टिक जाए 10-15 मिनट के लिए, तो फिर मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पुलाव को रेस्ट करते हुए 10 मिनट गुजर गए हैं, और ये देखिए ऊपर दाना कैसे अलग-अलग सब खड़ा हो गया है। इसका मतलब है कि बहुत शानदार पुलाव बनकर तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि हर दाना चावल का अलग-अलग है। ये देखिए नाज़रीन, मैंने ऑक्सटेल के पुलाव को डिश आउट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शानदार पुलाव बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ और नासिर।